गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पीडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में इंग्लिश की क्लास लेकर। तो चलिए, कल हमारा टॉपिक चल रहा था, आपकी एक पोएम है, थर्ड पोएम, ए टाइगर इन द जू। कल हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन जो है हमने पढ़ा दी थी, इसकी हमने पोएट्री डिवाइसेस भी हमने पढ़ी थी। और जो है आज हम इसी पोएम के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पोएम में से आते हैं। तो चलिए आज हम इसी पोएम के कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो एक बार आपकी अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। रेनू गुड मॉर्निंग, रितिका गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, पंकज सैनी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर जी? बिल्कुल बढ़िया है पंकज। अमरजीत कुमार गुड मॉर्निंग सर, ये सर थोड़ा नीचे करना कमेंट्स। मुस्कान गुड मॉर्निंग, अमन गुड मॉर्निंग, प्रेक्षा गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि जो है हम अपना टॉपिक आगे शुरू करें। और अमन जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने कल पोएम पढ़ी थी ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेज़ली नॉरिस। लेज़ली नॉरिस जो हैं एक वेल्स पोएट हैं, और ये पोएट होने के साथ साथ एक जो हैं स्टोरी राइटर भी हैं, ठीक है। तो हमने कल पोएम की एक्सप्लेनेशन पूरी लाइन टू लाइन हमने पढ़ा था, ठीक है, आज हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। चलिए एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो हम शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि साउंड क्लियर है या नहीं है। राजेश, लक्ष्य गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लक्ष्य, चलिए जल्दी से बताइए आवाज़ क्लियर है तो हम शुरू करते हैं। यस या नो कमेंट दीजिए प्लीज़, ठीक है। रामस्वरूप वर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम, राम रूप, चलिए चलिए। तो हमारी पोएम है ए टाइगर इन द जू, ठीक है। रिटन बाय लेज़ली नॉरिस, ये इसके पोएट हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पोएम का नाम ए टाइगर इन द जू और पोएट का नाम है लेज़ली नॉरिस, ठीक है। जैसा कि बताया ये एक वेल्स पोएट हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था इसमें पोएट ने जो है टाइगर की दो सिचुएशंस को कंट्रास्ट किया है, ठीक है। एक टाइगर जू में उसकी कैसी सिचुएशन है, और टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर उसका प्राकृतिक आवास है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये पोएट ने जो है इसमें कंट्रास्ट किया है। कल हमने एक्सप्लेनेशंस पढ़ लिया था, अगर कई बच्चे नए जुड़े हैं तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए जो है कल का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पोएटिक डिवाइसेस पर भी बिल्कुल जो है डिटेल से चर्चा की थी। चलिए आज हम अभी पढ़ते हैं इसकी जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, करें शुरू। चलिए आवाज़ क्लियर आ रही है, नेहा क्लियर है सर, रामरूप वर्मा क्लियर है, लक्ष्य आवाज़ क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है आपका, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। कल हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, ही यहां पर जो है किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें टाइगर को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, जब किसी इनह्यूमेन बीइंग को मानव के रूप में दर्शाया जाता है या मानव के लिए यूज किया जाता है तो वो जो है पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ जो ही वैसे तो जो है व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, पर यहाँ ही जो है किसके लिए यूज किया है, टाइगर के लिए, इसलिए जो है टाइगर का यहाँ पर्सोनिफाई है, क्लियर है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब मैंने बताया था कल भी आपको, टू फॉलो, ठीक है, यानी चलना, इन हिज विविड, विविड मीन्स होता है ब्राइट, विविड मीन्स ब्राइट या क्लियर,
स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स होती हैं धारियां, जैसे टाइगर के ऊपर आपने देखी होगी ब्लैक और गोल्डन कलर्स की जो हैं धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स, ठीक है, उनको स्ट्राइप्स बोलते हैं जो, ठीक है, टाइगर के ऊपर होती हैं। तो बोल, अब यहां पर इस स्टेंजा में जो है टाइगर का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, उसका वर्णन किया है जब वो पिंजरे में बंद है, ठीक है। तो यहां उसका फीचर बताया कि वो जो है स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब चल रहा है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसकी ब्राइट जो है स्ट्राइप्स हैं, उसकी जो धारियां हैं वो बिल्कुल जो है चमकीली हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स क्यों कहा है, फ्यू स्टेप्स मतलब होता है कुछ कदम, ऑफ हिज केज, केज मीन्स पिंजरा, और वो पिंजरे में जो है कुछ कदम चल रहा है, इट मीन्स कि पिंजरा जो है वो छोटा है, वो उसमें कुछ कदम ही चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, कैसे चल रहा है, पैड्स ऑफ वेलवेट, ये किसके लिए यूज किया है, ये टाइगर्स के जो पंजे होते हैं, ठीक है, उसके पैड्स, पैड्स मतलब जो उसके पाज, ठीक है, पैड्स मीन्स पाज ऑफ टाइगर, टाइगर का जो पंजे होते हैं, ऑफ वेलवेट, उनको क्या बताया, वेलवेट की तरह बताया है, वेलवेट जो है एक बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ होता है, बिल्कुल कोमल जो है कपड़ा होता है गद्दे की तरह, ठीक है। तो टाइगर के जो पंजे हैं वो नीचे से वेलवेट की तरह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बाकी एनिमल्स के जो पैर होते हैं वो हार्ड होते हैं, नीचे से चलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है टक टक की, लेकिन टाइगर के जो पैड्स हैं या उसके जो पैर हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। एंड क्वाइट, और क्वाइट क्यों यूज किया है, क्वाइट मीन्स शांत, ठीक है, इट मीन्स कि जब वो चलता है तो उसके पैरों की जो है कोई आवाज नहीं आती है, वो बिल्कुल शांत तरीके से जो है, ठीक है, पैर रखता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो क्वाइट रेज है, रेज मीन्स एक्सट्रीमली एंगर, ठीक है, एक्सट्रीम एंगर यानी बहुत गुस्से में है, ठीक है, और क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, ठीक है, और वो जो है गुस्से में चल रहा है लेकिन वो शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि जो है वो मजबूर है, वो पिंजरे में बंद है, इसलिए जो है वो अंदर से गुस्से में है, बट जो है वो शांत तरीके से जो है पिंजरे के अंदर जो है चल रहा है। और मैंने कल भी बताया था ये क्वाइट रेज, ये दोनों आपस में जो हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, रेज, रेज मतलब गुस्सा होता है या क्रोध, और क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, दोनों जो हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैंने बताया था ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर पोएम में एक ही लाइन में, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही हेयर, यहां पर ही कौन है भाई, ठीक है, लिख सकते हो ही इज द टाइगर, यहां पर ही कौन है, टाइगर है। हाउ डज ही वॉक, और वो कैसे चल रहा है, ही वॉक्स विद प्राइड, ठीक है, या ही वॉक्स इन एंगर, ठीक है, वो गुस्से में जो है चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, और क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इमोशन डज ही शो, ठीक है, टाइगर का जो इमोशन है वो कैसा शो कर रहा है, ही किसके लिए यूज किया है, टाइगर के लिए। तो टाइगर जो है वो किस इमोशन को शो कर रहा है, ही शोज द इमोशन ऑफ एंगर, ही शोज द इमोशन ऑफ एंगर, ठीक है, वो गुस्से का जो है भाव शो कर रहा है या वो क्रोध में चल रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन, पैड्स ऑफ वेलवेट ये जो वर्ड आया था, ठीक है, पैड्स ऑफ वेलवेट, इसका क्या मतलब है, पैड्स मतलब मैंने बताया कि क्या टाइगर का जो पा है, पंजा है उसको, और वेलवेट, वेलवेट जो है एक सॉफ्ट क्लोथ होता है, मखमल का कपड़ा, ठीक है। तो यहां पर टाइगर के पंजे को जो है पैड्स ऑफ वेलवेट कहा है, तो
पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब क्या है? पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स द सॉफ्ट पा ऑफ द टाइगर, ठीक है, सॉफ्ट सोल ऑफ द टाइगर भी बोल सकते हो, सॉफ्ट सोल ऑफ द टाइगर, ठीक है, वेलवेट ऑफ, पैड ऑफ वेलवेट का मतलब है सॉफ्ट सोल ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो है नरम या कोमल जो पंजा है, क्योंकि उसका नीचे से पंजा जो है वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट होता है, क्लियर है ये? तो व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मींस, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है सॉफ्ट सोल ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो नीचे का उसका पैर का हिस्सा है या पंजे का हिस्सा सॉफ्ट, उसको पैड्स ऑफ वेलवेट का है। नेम द पोएम, पोएम का नाम बताइए, भी पोएम का नाम आपको पता है, ए टाइगर इन द जू, एंड द पोएट, पोएट का नाम लेज़ली नॉरिस, क्लियर है? संदीप कुमार गुड मॉर्निंग, संजय वत्स यस सर, अमन क्या लिखा है भैया, राजकुमार क्लियर है सर, ठीक है, रेनू बोल रही है, ठीक है। तो पोएम का नाम आपको पता है टाइगर इन द जू, और पोएट कौन है, ठीक है, पोएट इज लेज़ली नॉरिस। विच वर्ड्स राइम इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में राइम वर्ड्स कौन से हैं भाई, जो जिनका साउंड सिमिलर हो, तो केज और रेज, ये सिमिलर जो वर्ड्स हैं, तो ये राइम वर्ड्स हो गया, केज और रेज, ठीक है, ये दोनों जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। विच वर्ड्स राइम इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में राइम वर्ड्स हैं केज और रेज, और इसकी जो राइम स्कीम रहेगी वो कल हमने बताया था, ए, ठीक है, और दूसरा वर्ड है केज, ये इससे अलग है, तो बी, क्वाइट, ये भी अलग है, सी, और रेज, रेज किससे मिलता है, केज से, तो इसको हमने बी दिया, तो बी, तो राइम स्कीम इसकी है ए बी सी बी, क्लियर है ये? आगे चले, ठीक है, तो इसका कंप्रिहेंशन कर सकते हो, तो ही की कौन है इसमें, टाइगर है, ठीक है, आगे पूछा है कि हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चल रहा है, ही वॉक इन एंगर, या ठीक है, ही वॉक इन जो है गुस्से में चल रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो ही वॉक्स विद प्राइड या ही वॉक्स इन एंगर। व्हाट इमोशन डज ही शो, वो कौन सा इमोशन शो कर रहा है, द इमोशन ऑफ एंगर, गुस्से का इमोशन जो है शो कर रहा है। पैड्स ऑफ वेलवेट किसको कहा है, सॉफ्ट सोल ऑफ द टाइगर, ठीक है, और राइमिंग वर्ड्स हैं केज और रेज, पोएम का नाम और पोएट का नाम, ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, स्टेंजा टू, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है, ही किसके लिए है, टाइगर के लिए। अब यहां पर पोएट जो है, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में जो है टाइगर जू में पिंजरे में बंद है, वहां का डिस्क्रिप्शन दिया है, अब पोएट बता रहा है कि टाइगर का जो प्राकृतिक आवास है, उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो कैसा होना चाहिए, यानी उस टाइगर को कहां होना चाहिए, वो बोल रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि टाइगर को शुड बी होना चाहिए लर्किंग, लर्किंग मतलब हाइडिंग, यानी शिकार के लिए छिपा हुआ, ठीक है, लर्किंग मतलब होता है जो शिकार के लिए जब टाइगर छुपता है, ठीक है, उसको लर्किंग बोलते हैं, हाइडिंग, हाइडिंग फॉर हंट, हाइडिंग फॉर हंट, शिकार के लिए छुपना, ठीक है, तो उसे कहां होना चाहिए था, उसे शिकार के लिए छुपना चाहिए था इन शेडो, शेडो में, शेडो कोई भी हो सकती है, शेडो मतलब छाया, ठीक है, पेड़ की छाया भी हो सकती है, झाड़ियों की छाया भी हो सकती है, तो उसे जो है पेड़ या झाड़ियों की छाया में छुपे हुए होना चाहिए था टाइगर को। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स बैठकर चलना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि टाइगर जो है घास में जो है अपने पंजों के बल या जो है पैरों के बल, पेट के बल बैठ जाता है, और वो ऐसे ऐसे सरकता है नीचे नीचे घास में से, ठीक है, तो उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग मीन्स वॉकिंग, वॉकिंग विद स्टमक, ठीक है, यानी पेट के बल चलना, ठीक है, थ्रू लॉन्ग ग्रास,
और उसे जो है लॉन्ग ग्रास में, लंबी घास में जो है नीचे सरख कर चलना चाहिए था। कहां पर? नियर द वाटर होल, किसी भी वाटर होल के नजदीक। वाटर होल मतलब कोई भी जो है तालाब या नदी, कोई भी जो पानी पीने की जगह होती है, जहां पशुओं के पानी पीने की जगह, उसको वाटर होल कहा है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि टाइगर को जो है किसी भी झाड़ियों में जो है शिकार के लिए छुपे होना चाहिए था, और लंबी घास में उसे जो है सरख कर चलना चाहिए था। कहां पर? नियर द वाटर होल, ठीक है, वाटर होल के नजदीक, किसी भी तालाब या नदी के नजदीक। कहां? वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प, प्लम्प मीन्स मोटे ताजा, डियर, डियर मीन्स हिरण, पास, पास मीन्स गुजरते हैं, ठीक है। और उसे जो है उस जंगल में घास में छिपे हुए होने चाहिए था, और किसी पानी के तालाब के पास या नदी के पास जो है उसे घास में छुपा हुआ होना चाहिए था, जहां पर जो है हिरण आते हैं या जहां से मोटे ताजा हिरण गुजरते हैं। क्लियर है? चलिए इसकी कंप्रिहेंशन। हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, टाइगर को जो है घास में कैसे चलना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर था स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, तो लिखना है द टाइगर शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास, ठीक है, द टाइगर शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? ठीक है संदीप कुमार, पिछली राइम्स की मे बी सी बी, नेहा ए बी सी बी, ठीक है, रेनु क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आप देखिए इसकी कंप्रीहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, टाइगर को घास में कैसा चलना चाहिए था, स्लाइड करते हुए, ठीक है, यानी पैरों को टिकाकर जो है चलना चाहिए था। दूसरा, व्हाई शुड द टाइगर लर्क इन शैडो, टाइगर को जो है पेड़ों की छाव में या झाड़ियों के छाव में लर्क, लर्क मतलब छुपना, ठीक है, उसे शैडो में क्यों छुपना चाहिए था, क्यों छुपना चाहिए, शिकार के लिए, ठीक है। द टाइगर शुड लर्क इन शैडो टू हंट फॉर फूड, यानी अपने भोजन के शिकार के लिए उसको जो है, ठीक है, शैडो में या छाया में छिपना चाहिए। क्लियर है ये? थर्ड क्वेश्चन, हु पास नियर द वाटर होल, वाटर होल के नजदीक कौन गुजरते हैं, प्लम्प डियर, ठीक है, द फैट डियर पास नियर द वाटर होल, ठीक है, यानी तालाब के पास या किसी भी वाटर बॉडी के पास कौन गुजरते हैं, प्लम्प डियर, प्लम्प डियर मतलब फैट, मोटे हिरन, ठीक है, द फैट डियर पास नियर द वाटर होल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, राइमिंग वर्ड्स देखिए ग्रास और पास, ठीक है, तो ग्रास और पास ये जो हैं इसके राइमिंग वर्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आगे चलें। चलिए स्टेंजा थर्ड, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, अब पोएट बता रहा है कि टाइगर को ही किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए, टाइगर को शुड बी होना चाहिए स्नार्लिंग, स्नार्लिंग होता है ग्राउलिंग यानी गुर्राना, ठीक है, कल हमने पढ़ा था साउंड ऑफ टाइगर, जो टाइगर गुर्राता है उसको क्या कहते हैं, स्नार्लिंग या ग्राउलिंग, तो उसे गुर्राना चाहिए था अराउंड हाउसेज, कहां पर, हाउसेज के चारों ओर, घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर है, यानी जो टाइगर पिंजरे में बंद है, ठीक है, पोएट जो है कह रहा है कि इस टाइगर को उस जंगल के किनारे पर जो घर हैं वहां पर गुर्राते हुए होना चाहिए था, यानी इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल में है, फॉरेस्ट्स में है, ठीक है, इस टाइगर को जू में न होकर कहां पर होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, और जंगल में जो उसके आसपास घर हैं जंगल के एज पर, एज मीन्स किनारे पर, ठीक है, एज या ब्रिंक
ठीक है, जो जंगल के किनारे पर या जंगल के नजदीक में जो घर है उसके चारों ओर उस टाइगर को स्नार्लिंग करना चाहिए था, उसको वहां पर अपनी आवाज करनी चाहिए थी, गुर्राना चाहिए था। बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लास, और बारिंग, बारिंग मीन्स दिखाना, ठीक है, एक्सपोज करना, ठीक है, या जो है ओपन करना, ठीक है, तो उसे अपने ओपन करने चाहिए थे या दिखाने चाहिए थे क्या, व्हाइट फैंग्स, व्हाइट मतलब सफेद, फैंग्स, फैंग्स होते हैं टाइगर के जो दांत, नुकीले दांत होते हैं उसको फैंग्स कहा जाता है, हिज क्लास, और अपने पंजों से, और उससे अपने दांत और पंजे दिखाकर, ठीक है, टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग मीन्स डराना चाहिए था द विलेज, विलेज मीन्स गांव, ठीक है, और उसे अपने दांत और अपने पंजों से जो है गांव वालों को डराना चाहिए था। इट मीन्स कि जो टाइगर पिंजरे में बंद है उसको कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, ठीक है, और उसे वहाँ जंगल के किनारे पर जो घर हैं उन घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए था और अपने दांत और अपने पंजों से जो है गांव वालों को भयभीत करना चाहिए था। टेररिजिंग मीन्स टू टेरिफाई, ठीक है, टू टेरिफाई यानी डराना। चलिए इसका कंप्रिहेंशन देख लेते हैं। व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउस, ठीक है, व्हाट शुड ही बी, उसे क्या करना चाहिए था, डूइंग नियर द हाउस, घरों के नजदीक, तो उसे घरों के नजदीक क्या करना चाहिए था, स्नार्लिंग, ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउसेज, उसे घरों के नजदीक गुर्राना चाहिए था। क्लियर है ये? हाँ भाई, क्लियर आ रहा है क्या, सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं बोले जा रहा हूं आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्लियर है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउस, उसे घर के नजदीक यानी टाइगर को घरों के नजदीक क्या करना चाहिए था, ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउसेज, ठीक है, उसे घरों के नजदीक जो है गुर्राना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर दीज हाउसेज सिचुएटेड, ठीक है, ये घर कहां पर सिचुएटेड हैं, कहां पर स्थित हैं, कहां पर हैं, जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर या जंगल के आसपास, दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, ये घर कहां पर हैं, एट द एज ऑफ द जंगल, ये जंगल के नजदीक हैं, फॉरेस्ट के नजदीक हैं, ठीक है। नेहा, राजेश जंगड़ा, लक्ष्य समझ में आ रहा है सर, रेनू, यस सर, ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड ही टेररिज द विलेजर्स, हाउ, कैसे, वुड ही, उसे टेररिज, टेररिज मीन्स टू टेरिफाई, डराना, द विलेजर्स, गांव वालों को, उसे गांव वालों को कैसे डराना चाहिए था, कैसे डराना चाहिए था, बाय शोविंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड हिज क्लास, अपने सफेद दांत और सफेद जो पंजे हैं वो दिखाकर डराना चाहिए था। तो इसका लिखोगे, ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय शोविंग हिज फैंग्स एंड क्लास, ठीक है, बाय शोविंग, दिखाकर, हिज फैंग्स एंड क्लास, अपने नुकीले दांत और क्लास, क्लास मीन्स पंजे, दिखाकर डराना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ही रेफर टू इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में ही जो है वो किसको रेफर करता है, टाइगर को, ही रेफर्स टू द टाइगर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स क्या है, एच और विलेज, ठीक है, ये दोनों जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, और इसकी भी राइम स्कीम वही है, ए बी सी और बी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर साउंड के हैं, एज और विलेज, तो ये बी रहेंगे, ठीक है, और ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेंजा फोर देखिए भाई, अब वापस से जो है पोएट टाइगर का, जहां वो पिंजरे में बंद है जू में, वहां का फिर से वर्णन कर रहा है, बोले बट ही हैज लॉक्ड,
बट ही हैज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु ही हैज लॉक्ड, उसे बंद कर दिया गया है, लॉक्ड मीन्स ताले में बंद कर दिया है, कहां, इन ए कॉन्क्रीट सेल, एक कंक्रीट सेल में। कंक्रीट मैंने कल भी बताया था, कंक्रीट मीन्स जो सीमेंट, ठीक है, पत्थर, रेत, इन सब के मिक्सचर से जो बनता है, दैट इज कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट सेल, सेल मतलब उसका जो पिंजरा है, ठीक है, उसको कहा गया है, परंतु उसे जो है कंक्रीट के पिंजरे में, ताले में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी स्ट्रेंथ को, टाइगर की ताकत को, क्योंकि जंगल में जो है वो सबसे ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत को जो है बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे, बार्स मीन्स सलाखें, ठीक है, जो पिंजरे के सलाखें होती हैं, परंतु जो है उसकी ताकत को पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मीन्स फॉलोइंग, चल रहा है या वॉकिंग, ठीक है, द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो जो है पिंजरे के अंदर जो है उस लेंथ को नाप रहा है, यानी वो छोटा पिंजरा है उसमें जो है वो चक्कर काट रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मीन्स इग्नोर मतलब क्या होता है, जैसे किसी को अनदेखा करना, ठीक है, और वो इग्नोर कर रहा है किनको, विजिटर्स को। विजिटर्स कौन है, जो जू में टाइगर को देखने के लिए आए हुए हैं, यानी, ठीक है, जो टाइगर को देखने के लिए विजिटर्स आए हुए हैं, वो उनकी तरफ कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है, वो उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो गुस्से में है, ठीक है, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है, उसे पता है कि वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो इनको इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे में जो है इधर से उधर चक्कर काट रहा है। क्लियर है ये स्टेंजा, चलिए इसकी कंप्रिहेंशन देखिए। इन व्हाट काइंड ऑफ ए सेल इज ही लॉक्ड, ठीक है, वो किस प्रकार के पिंजरे में लॉक्ड है, भाई किस प्रकार के पिंजरे में बंद है। सुशील कुमार, गुड आफ्टरनून सर, बहुत लेट आए हो सर आज, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो इन व्हाट काइंड ऑफ ए सेल इज ही लॉक्ड, वो किस प्रकार के जो है पिंजरे में बंद है, ठीक है, कंक्रीट सेल में, यहां फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना, ही हैज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, तो किस प्रकार के सेल में लॉक्ड है वो, ही हैज बीन लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whose स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, whose मीन्स किसकी स्ट्रेंथ, ताकत इज बिहाइंड, पीछे, बार्स मीन्स सलाखें, किसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे बंद है, ठीक है, तो किसकी ताकत की बात की जा रही है, द टाइगर्स, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ लॉक्ड एनिमल, या यहां पर आप टाइगर लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर इज बिहाइंड बार्स, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, टाइगर स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो जो है बार्स के पीछे बंद कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, वो विजिटर्स को कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो उनकी तरफ गुर्रा रहा है या उनकी तरफ जो है कुछ रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा ना, इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है, वो उनको इग्नोर कर रहा है, तो ही इग्नोर्स द विजिटर्स, ठीक है, वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल सही है रेनु, टाइगर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर बीइंग इग्नोर्ड, किसको इग्नोर किया जा रहा है, अब इसमें पूछ रहा था कि उसका रिएक्शन कैसे है, ठीक है, तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर बीइंग इग्नोर्ड, कौन लोग जो है इग्नोर किए जा रहे हैं, तो कौन इग्नोर किए जा रहे हैं, विजिटर्स, द विजिटर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम आपको पता ही है, ठीक है, ए टाइगर इन द जू, और पोएट हैं लेज़ली नॉरिस, ठीक है, क्लियर है। और राइमिंग वर्ड्स बात की जाए तो बार्स और विजिटर्स, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, राइम स्कीम सेम है इसकी पूरी पोएम की, ए बी सी बी, ठीक है।
क्लियर है स्टेंजा? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है आपका। अब He hears the last voice at night. He, आपको पता है he किसके लिए है? Tiger. Tiger जो है hears, सुनता है last voice. Last मतलब आखिर तक, voice आवाजें at night, रात को. और वो रात को जो है आखिर तक, last तक जो है आवाजें सुनता है किसकी? The patrolling cars. Patrolling cars की. Patrolling cars मतलब जो cars, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए जो पुलिसमैन या सिक्योरिटी मैन जो हैं रात को सिक्योरिटी के लिए कार्स में घूमते हैं, उन कार्स को क्या कहा जाता है? पेट्रोलिंग कार्स को. तो टाइगर जो है पूरी रात भर जो है क्या सुनता रहता है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो पिंजरे में बंद है, ठीक है, पिंजरे के आसपास जो है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए कार्स जो हैं पेट्रोलिंग करती हैं, रात में गश्त करती हैं, तो उनकी आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं. एंड स्टेयर्स, और स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब लुक्स इंटेंटली, लगातार टकटकी लगाकर देखना. विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स चमकीली, ठीक है, आइज आँखों से, और वो अपनी जो है चमकीली आँखों से टकटकी लगाकर देखता है किनको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, ब्रिलियंट्स मतलब ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए या स्पार्कलिंग स्टार्स, तारों को, ठीक है. और वो जो है रात को जो है अपनी चमकीली आँखों से उन चमकते हुए तारों को देखता रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, ठीक है, वो फ्रीडम चाहता है, आज़ादी चाहता है, ठीक है, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, ठीक है. तो ये जो है लास्ट स्टेंजा है आपका, ठीक है, इसमें राइमिंग वर्ड्स आपके कार्स और स्टार्स, ठीक है, राइम स्कीम इसकी वही ए बी सी, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको बी दिया है, तो इसको भी बी, ये आपकी जो है राइम स्कीम है. अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए. हाँ, इग्नोर मीन्स नेग्लिजेंस, पिछला स्टेंजा में आया था. नेक्स्ट, What sound does the tiger hear at night? Tiger जो है night में कैसी sound सुनती है या किसका sound सुनता है, ठीक है, यहाँ लिखा था ना the patrolling cars, ठीक है, He hears the sound of patrolling cars. The tiger hears the sound of the patrolling cars at night. रात में वो patrolling cars की sound सुनता है. Clear है? Next question. How do his eyes look? उसकी आँखें कैसी दिखती हैं? ये brilliant था ना, तो his eyes looks brilliant. उसकी आँखें जो हैं चमकती हुई दिखाई देती हैं. Clear है? Next question. At what does he look at night? रात को वो किसकी ओर देखता है? ठीक है, He looks at brilliant stars. He looks at the shining stars at night. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स लुक्स इंटेंटली, ठीक है, लुक्स इंटेंटली मीन्स टकटकी लगाकर देखना, तो ये किसका मीनिंग है? स्टेयर्स का, ठीक है, द वर्ड इज स्टेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? कार्स और स्टार्स, ठीक है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, और ये आपकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, ठीक है. आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा ये स्टेंजा, ठीक है. तो ये जो है आपकी कंप्रीहेंशन थी, ठीक है, इस पोएम की. तो एक बार आप जो है इस पोएम को दोबारा पढ़िए और इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कंप्रीहेंशन के लिए, वो आज आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं. इसी के साथ जो है ये पोएम आज जो है कंप्लीट हो चुकी है. इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है पोएम्स में से आपके 5 नंबर की कंप्रीहेंशन श्योर आती है, ठीक है. तो अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी आप कंप्रीहेंशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है किसी भी पोएम से, ठीक है.
ठीक है, तो इसलिए पोएम को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसके एक्सट्रैक्ट्स की जो है कंप्रिहेंशन कीजिए, ताकि जो है आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं, ठीक है। तो ये पोएम समझ आ गई होगी सभी को, ठीक है। तो ये आज आपकी पोएम जो है कंप्लीट हो गई है। समझ में आया है कि नहीं आया है एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। नेहा ठीक है, आपकी राइम्स की में बी सी बी। रेनू यस सर। लक्ष्य क्लियर है सर जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पोएम सभी को क्लियर हो गई होगी। कल हमने इसकी डीपली जो एक्सप्लेनेशन है वो कल हमने पढ़ ली थी। अगर कोई बच्चा आज नया जुड़ा है और उसने जो है कल की वीडियो नहीं देखी थी, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए और पोएटिक डिवाइसेस के लिए जो है कल का वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि जो है आपको पोएम ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ जो है आज की टॉपिक यहीं कंप्लीट होती है। कल हम फिर से जो है इसी टाइम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।